नमस्कार दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि भाई लड़का लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, सब इक्वल है, एक समान है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो भाई, लड़का चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितने हार्ड वर्क कर ले फेमस होने के लिए, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है कड़ी मेहनत करने के बाद भी, जहाँ पर लड़की केवल एक बार कपड़े उतार कर बाज़ार में घूम ले। भाई पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई ये न्यूज़ में भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि देखो वीडियो दिखा करके किस तरीके से मार्केटों के बाहर घूम रही है और ये रिएक्शन ले रही है। ये इनका नया तरीके का रिएक्शन लेना। पहले लोग क्या करते थे, प्रैंक करते थे असली वाले, फिर बाद में वो नकली वाले होने लग गए स्क्रिप्टेड, फिर उसके बाद में हेल्प वाला सीन चला था, फिर बाद में वो स्क्रिप्टेड होने लग गया, फिर बाद में तो आपने देखा होगा जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपनी ये 2 करोड़ की हवेली और अपना क्लिनिक और 25 लाख की जो FD है वो उसके नाम पे कर दूंगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो बात अलग है कि जिस बच्चे को गोद में लिए हैं वो कपड़े संडे बाजार में मिल जाते 50-50 रुपए में, और अब ये एक नया तरीका, वीडियो को मैं खुल के दिखा भी नहीं सकता क्योंकि लड़की पोस्ट कर दे तो यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं, हम अगर खुल के पोस्ट कर दे तो यूट्यूब हमसे नाराज हो जाएगा, मतलब कि कम्युनिटी गाइडलाइन भेज देगा हमें, लेकिन लड़की के लिए खुली छूट है। देखा ये दूसरा अंतर लड़का लड़की में, पूरी भरी 56 दुकान मार्केट में निर्वस्त्र होकर के घूम रही थी और रिएक्शन ले रही थी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि भाई वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं की दुकान है लगभग सारी, अगर कहीं और होती तो शायद इसका रिएक्शन अच्छे से हो जाता, फिर जितना आज का समय वायरल हो रही उससे दुगना तिगना वायरल होती। लेकिन जब ये कैलाश विजयवर्गीय MP के कैबिनेट मिनिस्टर तक वीडियो पहुंचती है तब वो भी इस चीज पर अपना रिएक्शन देते हैं। कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा मैंने कभी इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए, एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही। ये शहर माता अहिल्या की नगरी है, यहाँ महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता है क्या? देखना चाहिए क्या? माताओं बहने आप बताइए, महिलाओं को शालीनता से रहना चाहिए। फिर बजरंग दल जैसे और भी कई हिंदू संगठन है जो लोग इस चीज को लेकर डिमांड करने लग गए कि इसको जेल भेजा जाए और फिर कैदियों का रिएक्शन ले, मतलब कि अरेस्ट करने की डिमांड चालू हो गई। सबसे बड़ी और अच्छी बात तो है कि इस चीज को लेकर भाई महिला संगठन ने भी आपत्ति जताई रोड में आकर के, तो फिलहाल जो है पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है, लेकिन अब जो है माफ़ी मांगती घूम रही है। मेरा मन तो नहीं था कि इसकी शक्ल दिखा आपको, लेकिन क्या करूं, ये जब जनता में आकर के पूरे मार्केट में आकर के 56 दुकान जो मार्केट वो बताई जाती है जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, अब वहाँ पे आधी नंगी होकर के घूम रही है और सबको सब कुछ दिखा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शक्ल दिखाने में मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस होगी। शक्ल भी देखें और देखो इसने बोला क्या है। उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ है मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया। लड़की का एटीट्यूड देखो, उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ है मेरे वीडियो से, मुझे सब करना नहीं चाहिए था, चेहरे पे जरा से भी शिकन नहीं है, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा ये कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मुझे ये लड़कियों का अच्छा तरीका है, सुसाइड कर लेंगे या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पहले तो इनको मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि जब ये हरकतें कर रही होती तो उस टाइम ये शायद 9-10 साल की बच्ची होती, दिमाग नहीं होता इनके अंदर। जब चीज़ें वायरल हो जाती हैं, रिएक्शन अच्छे वाले जब इनको मिलने लगते हैं, तब हम सुसाइड कर लेंगे, हमें मालूम ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंसू पोच रही है, आंसू तो बहा नहीं है, आंसू पहले पोच रही है। एटीट्यूड के साथ इसने वीडियो को स्टार्ट करा, एटीट्यूड के साथ इसने ख़त्म भी कर दिया, सबको सॉरी बोल दिया, जिसको बुरा लगा और ठीक है गलती हो गई, ज़्यादा फालतू तो बोलोगे तो सुसाइड कर लूँगी। नहीं सुसाइड नहीं नहीं। अब क्या होता ना कि हरकतें ऐसी लड़कियां करती हैं, लेकिन सवाल खड़े होते हैं फिर माँ बाप पे, माँ बाप हर जगह घसीटे जाते हैं, क्या कहा जाता है कि इसके माँ बाप कैसे, माँ बाप ने संस्कार कैसे दिए, क्या माँ बाप इसके वीडियो को नहीं देखते हैं, क्या माँ बाप ये सारी हरकतों को देख नहीं रहेंगे। तो उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं तो थोड़ा अपने से पहले माँ बाप के बारे में सोचा करो, क्योंकि कोई सा भी केस किसी भी तरीके को होता है सबसे पहले उनको ही घसीटा जाता है, फिर बाद में माँ बाप भी सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई हमारी परवरिश में, हमने तो बच्चे को आज तक हाथ भी नहीं लगाया, हमने बच्चे आज तक मारी नहीं है, लेकिन उन माँ बाप को मालूम ही नहीं कि बच्चे का गैंग इस तरीके का है। खैर ऐसी लड़कियों को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, अगर मैं ही ज़्यादा कुछ बोल गया तो ऐसी लड़कियाँ हम पे ही चढ़ जाएंगी। नमस्कार।